हाय दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। मैं डॉक्टर आनंद व्यास फिर से अपने यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत कर रहा हूं और आशा कर रहा हूं सभी ठीक है, मस्त हैं, एंजॉय कर रहे हैं। बीआरएम का अंतिम क्वेश्चन लेकर मैं आ गया हूं। थोड़ा सा लेट हो गए लेकिन फिर भी अभी तो काफ़ी समय है। 14th out of 14 क्वेश्चन लेकर आया हूँ और ये क्वेश्चन भी एक वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में है। लास्ट टाइम पर इसको एड ऑन किया गया इसलिए इसको भी अपन अच्छे से देख लेते हैं। ये क्वेश्चन क्या है बेसिकली, पहले क्वेश्चन पर हमला बोलते हैं और देखो कल एग्ज़ाम है, चिंता मत करना। ये वीडियो भी देख रहे हो तो ठीक है, नहीं देख रहे हो तो कोई बात नहीं, ओएम के सारे वीडियो देख लो, है ना। कल एग्ज़ाम है, चिंता मत करना, अच्छा जाएगा, मस्त रहो, अच्छा जाएगा। ये क्वेश्चन क्या है, टी टेस्ट, एफ टेस्ट, जेड टेस्ट, क्रॉस टेबुलेशन, काई स्क्वायर टेस्ट, यानी कि इनमें से कोई ना कोई टेस्ट तो हमेशा आता है, इसलिए हमने सारे के सारे टेस्ट ले लिए और मैंने कहा कि एक साथ वन शॉट के अंदर सब मैं एक्सप्लेन कर दूंगा ताकि बच्चे को कहीं भी कोई कन्फ्यूज़न ना रहे। अब ये क्वेश्चन क्या है, जब भी हम डेटा कलेक्ट करते हैं, जैसे मैंने वो 500 बच्चों का डेटा जो कलेक्ट करा था उसको हमको एनालिसिस करना होता है। एनालिसिस करने के लिए स्टेटिस्टिकल में बहुत सारे टूल्स दिए हुए हैं, एनोवा टेस्टिंग, वन वे, टू वे टेस्टिंग, काई स्क्वायर टेस्ट, टी टेस्ट, जेड टेस्ट, एफ टेस्ट, ये बहुत सारे टेस्ट दिए हुए हैं। तो हम सबको ये टेस्ट थोड़ा सा समझने होते हैं। क्यों समझने होते हैं, क्योंकि रिसर्च मेथोडोलॉजी के अंदर ये पार्ट आता है। सेकेंड इम्पॉर्टेंट पॉइंट इसके अंदर ये आता है कि जब हम ये सारे टेस्ट होते हैं तो ये एनालिसिस का पार्ट होता है। और अभी हम जो सब्जेक्ट में चल रहे हैं, बीआरएम में चल रहे हैं, रिसर्च मेथोडोलॉजी के अंदर इसकी डिटेल काफ़ी ज़्यादा आती है। जब मैं बिजनेस रिसर्च मेथड के अंदर चलता हूँ तो इसकी डिटेल हम शॉर्ट कर देते हैं। तो इसको आपको केवल इसके मीनिंग आपको समझते हुए चलोगे तो भी आपका काम हो जाएगा, मीन्स कि इससे बड़ा क्वेश्चन नहीं बनता। हाँ, सारे 2-3 टेस्ट एक साथ दे दे तो बड़ा क्वेश्चन बन जाता है, लेकिन जो क्वेश्चन बनेगा इससे वो आपका पार्ट बी के अंदर ज़्यादा बनेगा। तो एक पार्ट बी का कंपलसरी क्वेश्चन आपका तैयार हुआ क्योंकि ये आता ही है लगभग। तो ये टेस्ट क्या है, सबसे पहले टी टेस्ट पे बात करते हैं। देयर इज अ टेस्ट फॉर मींस आल्सो नोन द टू सैंपल टेस्ट। जब टी टेस्ट को क्या बोलते हैं, टू सैंपल टेस्ट। मैं एक एक करके क्लियर करता हूं। जब हम टू इंडिपेंडेंट वेरिएबल, कौन से वेरिएबल, इंडिपेंडेंट वेरिएबल, यानी कि एक ए वेरिएबल्स की लिस्ट है पूरी की पूरी, यहां पर है 10, 12, 15 और 18, चार ले लेते हैं, और बी का इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स अपन ले लेते हैं 16, 12, 21 और 24। जब मैं इस वेरिएबल और इन वेरिएबल, ये दो इंडिपेंडेंट वेरिएबल हैं, इन दोनों के बीच में मेरे को कंपैरिजन करना होता है, इनके मीन के बीच में कंपैरिजन करना होता है या इनके वेरिएंस के बीच में मैं कंपैरिजन करता हूँ, तो उसके लिए टी टेस्ट यूज़ करते हैं। टी से हो गया टू सैंपल टेस्ट, क्लियर हो गया। जब मैं टू डिफरेंट सैंपल्स के बीच में टेस्ट कर रहा हूँ, यानी कि मैं एमबीए के स्टूडेंट्स में एक तो रसगुल्ले का टेस्ट कर रहा हूँ और एक आइसक्रीम का टेस्ट कर रहा हूँ, तो ये इस तरीके की टू सैंपल टेस्ट उसके अंदर यूटिलाइज किए जाते हैं, ठीक है। यहाँ पर दो आपको ग्रुप दिया हुआ है, ग्रुप ए और ग्रुप बी। जब इस तरीके के कोई टेस्ट किए जाते हैं तो इसमें अपन टी टेस्ट यूज़ करते हैं, क्लियर हो गया। केवल इतना ही याद रखना है अभी, क्योंकि एंड टाइम पे अगर आप पूरा देखने के लिए जाओगे, वैसे तो डिटेल वीडियो में मैंने काफ़ी डिटेल में ये समझाया है, लेकिन पूरा देखने के लिए जाओगे तो दिक्कत आएगी। अभी केवल आपको ये टी टेस्ट का एक बेसिक याद करते हुए चलना है। आगे बढ़े, टू सैंपल का वेरिएंस का एनालिसिस करने को टी टेस्ट बोलते हैं। आगे बढ़ते हैं, जब दो से ज़्यादा सैंपल हो तो सर मैं क्या करूँगा, दो से ज़्यादा सैंपल है तो एफ टेस्ट लगा देना। यहाँ पर क्या कहता है, स्टेटिकल टूल टू कंपेयर द वेरिएंस टू और मोर सैंपल, यानी कि एनोवा टेस्टिंग। जब दो या दो से ज़्यादा लोग बीचों के बीच में कंपेयर करना हो, यानी कि रसगुल्ला भी है, गुलाब जामुन भी है, काजू कतरी भी है, चॉकलेट भी है, इन चारों के बीच में मेरे को, और इनके स्टैंडर्ड डेविएशन मुझे पता है, इनके वेरिएंस मेरे को पता है, तब मैं इनके बीच में जब कंपेरिजन करता हूँ तो वो एफ टेस्ट के माध्यम से होता है। ना आपसे एग्जाम में इसका फॉर्मूला पूछा जाएगा, ना आपसे एग्जाम में इसका कैसे इंप्लीमेंट करते हैं ये पूछा जाएगा, आपसे बेसिक इसका मीनिंग पूछा जाएगा और इतना ही अभी अपन को समझना है, ठीक है। एफ टेस्ट इज स्टैटिकल टेस्ट यूज्ड टू कंपेयर द वेरियस टू और मोर, इट कॉमनली एम्प्लॉयड इन द कॉन्टेक्स्ट कॉन्टेक्स्ट ऑफ एनालिसिस ऑफ द वेरियंस ऑफ एक्सेस वेदर देयर आर सिग्निफिकेंस डिफरेंट अमंग द मीन्स ऑफ द मल्टीपल ग्रुप। यानी ए का स्टैंडर्ड डेविएशन दिया हुआ है, बी का दिया हुआ है, सी का दिया हुआ है, डी का दिया हुआ है, और जब मेरे को दो या दो से ज़्यादा ग्रुप के बीच में कंपेयर करना होता है तो मैं एफ टेस्ट का इस्तेमाल करता हूँ, क्लियर हो गया। और दो होंगे तो टी टेस्ट का। बताओ, इससे सिंपल कुछ भी नहीं है, बताओ स्टेटिक्स में इससे सिंपल कुछ भी नहीं। अब जेड टेस्ट, जब क्या होता है, हमारी पॉपुलेशन 30 से कम होती है या एन इक्वल टू 30 से कम होता है, तब हम पॉपुलेशन या उसका कह सकते हो सैंपल साइज़ जब हमारा 30 से कम होता है, यानी कि 500 वाले पे तो ये इम्प्लीमेंट नहीं होगा, जब मेरा सैंपल साइज 30 से कम होता है तब हम जेड टेस्ट का इस्तेमाल करते हैं।
जैसे कि देखना वन सैंपल टेस्ट होता है, यहां पर केवल सैंपल कितने, केवल एक ही सैंपल, टी में दो थे, एफ में मल्टीपल थे, और सिंगल कहां पर है, जेड टेस्ट में है। यह भी एक स्टैटिकल टूल्स है जिससे हम एन कहां पर, एन 30 से कम होता है, एक नंबर के अंदर यह क्वेश्चन बार बार आता है कि 30 से कम, यूजीसी नेट के अंदर तो फ्रिक्वेंसी पूछा जाता है कि 30 से कम है बताइए सैंपल साइज या एन, तो आप कौन सा टेस्ट इस्तेमाल करेंगे, तो उसका आंसर होता है जेड टेस्ट। एग्जाम्पल सपोज अ कंपनी क्लेम, अब यहां पर एग्जाम्पल भी समझ लीजिए, उसका कंपनी क्लेम कर रही है कि उसका रेस्पॉन्स टाइम कितना है, 5 मिनट है हर कॉल के ऊपर, वेरीफ्लाई कैम रेंडम सैंपल किया जाता है, 50 कस्टमर कॉल कराए जाते हैं और चेक किया जाता है कि कंपनी का जो क्लेम कर रही है वो सही कर रही है कि नहीं कर रही है, और यहां पर कितना आया, 4.8 मिनट आया, तो इसका मतलब क्या हुआ कि दोनों वेरिएंस मैच करें, कंपनी की बात सही है, है ना। तो ये वाला सारी की सारी बात आई, यहां पर एक पॉपुलेशन मीन आया और एक अपना जो सैंपल विड्रॉल करा था उसका मिनट्स आए, पॉपुलेशन का मिनट कितना था 5 मिनट और सैंपल का कितना था 4.8, क्योंकि 50 बंदों से अपन ने कॉल करा के देखा था। तो इस एग्जांपल के थ्रू अपन ने यह समझा, क्या समझा सर, ये समझा कि जब हमको एक सिंगल ग्रुप होता है उसी के मीन को कंपेयर कर रहे होते हैं हम पॉपुलेशन के मीन के थ्रू, तो उसमें हम कौन सा जेड टेस्ट यूज़ करते हैं, या एन जो होता है वो लेस देन 30 होता है। क्लियर हो गया, कोई दिक्कत है इसको समझने में, एन इक्वल टू लेस देन 30 होता है। अब आगे बढ़ जाते हैं क्रॉस टेबुलेशन, क्रॉस टेबुलेशन क्या होता है, जब दो या एक तरीके का काई स्क्वायर टेस्ट और क्रॉस टेबुलेशन दोनों साइमल्टेनियसली है ना, दोनों कहीं पे काई स्क्वायर टेस्ट लिखा हुआ आ जाएगा, कहीं पे क्रॉस टेबुलेशन आ जाएगा, तो इसमें कंफ्यूज मत होना। होता क्या है, जब हम केवल क्रॉस टेबुलेशन और काई स्क्वायर में फर्क क्या है, जब हम दो वेरिएबल का इस्तेमाल कर रहे हैं, जैसे कि यहां पे मैंने ले लिया रवि को नाम ले लिया और यहां पे राज नाम ले लिया, है ना, ये दो बंदे हो गए, ये एक फर्स्ट बंदा हो गया और यह सेकंड बंदा हो गया, है ना। अब इसके यहां पर मैंने बंदा ले लिया, यहां पर कोई एग्जांपल के लिए अपन ले लेते हैं मार्क्स ही ले लेते हैं, चलिए एकेडमिक रिपोर्ट के अंदर मार्क्स ही ले लेते हैं, तो मार्क्स मैंने यहां पे उसमें साइंस के लिख दिए और यहां पे मैंने उसके मैथ्स के लिख दिए, तो जब मैंने रवि के मार्क्स लिखे तो यहां पर 70 आए और यहां पर 75 आए, राज के मार्क्स लिखे तो यहां पर 80 आए और 82 आए, दोनों बहुत ही पढ़ाई में होशियार रहे, ठीक है। तो रवि और राज ये एक क्रॉस टेबुलेशन हुआ। यहाँ पर जब हम मल्टीपल वेरिएबल्स का एनालिसिस कर रहे होते हैं एक प्रेजेंटेशन का मेथड, तो उसको क्रॉस टेबुलेशन बोलते हैं। अब ये काई स्क्वायर से कैसे डिफर हो जाता है, काई स्क्वायर में एक मार्क्स और आ गए, यहाँ पे हमने हिस्ट्री लिख दिया, हिस्ट्री लिखने के बाद जब मैंने हिस्ट्री के मार्क्स लिखे यहाँ पर आए इसके 72 और यहाँ पर आए 89, तो ये जब मैंने हिस्ट्री के मार्क्स यहाँ पर लिख दिए तो ये एक तरीके का काई स्क्वायर टेबल बन गई या काई स्क्वायर टेस्ट बन गया। जब हम मल्टीपल वेरिएबल्स का मल्टीपल थिंग्स के साथ कॉम्बिनेशन में टेस्ट कर रहे होते हैं तो काई स्क्वायर टेस्ट का इस्तेमाल करते हैं, और जब दो ही वेरिएबल्स का दो अदर वेरिएबल्स के साथ में कॉम्बिनेशन में टेस्ट कर रहे होते हैं तो उसको क्रॉस टेबुलेशन बोलते हैं। अब इसकी बुकिश लैंग्वेज देख लो, क्रॉस टेबुलेशन आल्सो नोन द कंटिंजेंसी टेबल और क्रॉस टेब डेटा एनालिसिस टेक्निक यूज टू एक्सप्लोर द रिलेशनशिप बिटवीन टू कैटेगोरियल वेरिएबल्स, यानी एक कैटेगरी के अंदर तो नेम है और दूसरी कैटेगरी में अंदर क्या था, सब्जेक्ट था, तो टू कैटेगोरियल वेरिएबल्स हो गए। इट्स इन्वॉल्व ऑर्गेनाइजेशन समराइजिंग डेटा इन द टेबल फॉर्मेट के अंदर होता है, शोइंग द फ्रिक्वेंसी काउंट ऑफ द ऑब्जर्वेशन। क्लियर है, यहाँ पे कोई पॉइंट आपको दिक्कत नहीं आई होगी। नेक्स्ट आ जाते हैं अपन, ये आपका सेम एग्जाम्पल हो गया स्मोकर एंड नॉन स्मोकर्स का, यहाँ पर जेंडर मेल और फीमेल लिख दिया गया है, ठीक है। ये भी सेम एग्जाम्पल हो गया आपका क्रॉस टेबुलेशन का। आगे बढ़ते हैं काई स्क्वायर टेस्ट, काई स्क्वायर भी एक बेसिकली टेस्ट सिमिलर होता है क्रॉस टेबुलेशन के। द टेस्ट इज बेस्ड ऑन द कैलकुलेशन ऑफ द काई स्क्वायर स्टैटिक्स ऑर्डर टू रिनॉक्स एक्स स्क्वायर, ठीक है। द फॉर्मुलेटिव ऑफ द, अच्छा इसका फॉर्मूला भी होता है लेकिन अभी अपन को इसके फॉर्मूले में भी नहीं जाना, नहीं इसके कैलकुलेशन में जाना, केवल ये टेबल अपन को याद रख लेनी है। ये क्या टेबल है, यहाँ पर दो कैटेगरीज है, एक 80 to 30, एक 31 to 50 का कैटेगरी है, और यहाँ पे देखना रॉक पॉप और हिप हॉप, ये अपन देख रहे हैं कि कौन से बंदों को कौन से तरीके के गाने पसंद है। तो यहाँ पर दो कैटेगरी के अंदर मैंने आपको बताया था ना हिस्ट्री भी एड ऑन हो गया था, तो ये वाली जब टेबल आ जाए तो काई स्क्वायर टेस्ट वाज डिटरमाइंड इफ देयर इज सिग्निफिकेंस एसोसिएशन बिटवीन द एज ग्रुप। सिग्निफिकेंस एसोसिएशन अपन चेक कर रहे हैं टू डिफरेंट कैटेगरीज में विद द डिफरेंट पैरामीटर्स। सोशल साइंस की स्टडी के अंदर काई स्क्वायर टेस्ट का काफ़ी यूज किया जाता है, क्योंकि एक ही कैटेगरी अलग होती है और दूसरे में काफ़ी सारा अपन एड ऑन करते हुए चलते हैं।
क्लियर है, केवल बेसिक इसका आउटपुट याद रखना, एग्ज़ाम काफ़ी अच्छा जाएगा, मेहनत काफ़ी आपने करी है। जय हिंद, खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए, जय हिंद। और यहाँ पे अपनी BRM की सीरीज़ कंप्लीट होती है, नेक्स्ट सीरीज़ के लिए मेरे साथ जुड़े रहिए। जय हिंद।